गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जर्मिनेशन, व्हाट आर द कंडीशंस इंपॉर्टेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, अंकुरण क्या है और एक बीज के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं। इसका आंसर होगा, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट ग्रो फ्रॉम ए सीड, एक बीज से प्लांट की ग्रोथ होना या प्लांट की फॉर्मेशन होना जर्मिनेशन कहलाता है। एयर टू ब्रीथ, मॉइस्चर, वाटर एंड वॉर्मथ आर द इम्पोर्टेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, एक बीज के अंकुरण के लिए एयर, वाटर और सनलाइट चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड, बीज के विभिन्न भाग बताइए। पार्ट्स ऑफ सीड्स आर सीड कोट, कोटिलेडन, सीड लीव्स, प्लांट एम्ब्रियो, जो बाहर का जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सीड कोट या बीजावरण बोलते हैं। उसके अंदर जो होते हैं कोटिलेडन्स, वो दो हैं या एक है, जिसको मोनोकोट और डाइकोट सीड्स में डिवाइड करते हैं उसके बेस पे। और सीड लीव्स जो पतली पतली दो पत्तियां जब बीज अंकुरित होता है तो निकली रहती हैं उनको बोलते हैं सीड लीव्स। और प्लांट एम्ब्रियो, प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको या बेबी प्लांट को प्लांट एम्ब्रियो बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट व्हाई सीड नीड्स टू बी डिस्पर्स्ड, राइट द एजेंट हेल्पफुल इन डिस्पर्सल, बीजों का जो डिस्पर्सल है, वितरण है, वो क्यों जरूरी है और इसके लिए कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीसीज, एक पादप जाति के जीवित रहने के लिए डिस्पर्सल बहुत ज़रूरी है। इफ़ ए प्लांट ग्रो टू क्लोजली टुगेदर दे विल नॉट गेट स्पीसीज टू डेवलप, अगर वो डिस्पर्सल नहीं होगा तो बीजों को क्या डेवलप, विकसित होने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। दीज एजेंट्स आर विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, जो डिस्पर्सल के एजेंट हैं वो पानी, हवा या फिर एनिमल्स या फिर बीजों का फटना हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ मोनोकोट सीड, गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल आपको बताना है और मोनोकोट या एक बीजपत्री जो बीज है वो कौन से होते हैं। तो इसका आंसर होगा, सम सीड्स हैव ओनली वन सीड लीफ टू स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट आर कॉल्ड मोनोकोट सीड, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सीड कोट हो, सीड लीफ होती है जो जिसमें फूड स्टोर रहता है बेबी प्लांट के लिए, उसे हम मोनोकोट सीड बोलेंगे। और इसके एग्जांपल्स होंगे वीट, राइस, हमें इसमें से आपको जो आपको लर्न अच्छे से रहे वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच ए प्लांट रिप्रोड्यूस, प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं वो कौन कौन से दो तरीके हैं। तो प्लांट रिप्रोडक्शन के 2 वेज होते हैं, एक तो सीड से या फिर प्लांट के ही किसी अदर पार्ट से। आज के लिए इतना ही, बाय स्टूडेंट्स।